हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूं। देखो, हमारे पास एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये है हिस्ट्री एंड प्रोपोशन का क्वेश्चन और मुझे लगता है कि आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पहले देखा होगा। तो ये कह रहा है क्या रेशियो क्वेश्चन का, ये हम लोग क्वेश्चन 36 डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टडी मटेरियल में बेस्ड होगा हमारा। सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। सोने का जो कीमत है उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है बाबू। एक व्यक्ति ने सोने को तीन हिस्से 3, 2 और 1 रेशियो 3, 2 और 1 के अनुपात में तोड़ दिया और बेचा, जिससे उससे 46 रुपए की हानि हुई, मतलब नुकसान हो गया। ये उनका नुकसान हो गया। पूछा क्या कि सोने की शुरुआती कीमत क्या होगी, ये आपको बताना। सोने की शुरुआती कीमत आपको बतानी है दोस्तों। कैसे निकाला? मान लीजिए कि कोई एक सोना, या हम कह सकते हैं कि गोल्ड का एक आपका पत्थर है और वह आपका टूट गया। तो यहाँ पर लिखो सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, उसे गलती से तोड़ दिया, टूटने के बाद वह इस रेशियो में हो जाता है 3:2:1। तो जिस रेशियो में यह हो जाता है उसी रेशियो में आप यहाँ मेंशन कर दो 3:2:1। यह हो गया हमारा 3:2:1 हो गया। हमें क्या करना चाहिए? द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। अब इसका अगर यह वेट हो गया हमारा, तो इसका जो प्राइस होगा ना, इसका जो प्राइस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्क्वायर का। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इसका प्राइस क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो नहीं होगा। ए पर्सन ब्रॉक डाउन इन गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ऑलरेडी, एंड सोल्ड एंटर्स लॉस ऑफ रुपीज कितना? 4,620, मतलब इतना रुपए का लॉस हो गया। तो फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द गोल्ड, इनिशियल प्राइस क्या होगा? तो एक बात बताना बाबू लोग, आपको ध्यान से दिखेगा, इसका इनिशियल प्राइस अगर पूछ रहा हमसे, तो इनिशियल प्राइस तब की बात पूछ रहा जब ये टूटा नहीं होगा। इनिशियल प्राइस मतलब क्या? जब यह गोल्ड ब्रेक नहीं होगा, ब्रोक नहीं हुआ होगा, तब की बात कर रहा है। जब ब्रोक नहीं होगा तो मान लीजिए 3, 2 और 1, 3, 2, 5, 8, 6 होगा। तो शुरुआत में कितना यूनिट होगा? 6 यूनिट होगा। टूटने के बाद में इतना हो गया जी, ठीक है। तो अब यह देखो, 6 अगर यूनिट रहा होगा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि आपको यह बोल रहा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो अगर 6 रहा होगा यूनिट पहले, इसका प्राइस कितना रहा होगा? 6 का स्क्वायर 36 रहा होगा। अब यहां से देखिए, 3 का स्क्वायर 9 मैंने कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 कर दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 9, 4, 13, 14, या 14 आ गया, यह प्राइस शो कर रहा। अब बताना दोस्तों यहां पर क्या, कि अगर हमारे पास प्राइस अगर पहले 36 था, अब हो गया 14, तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ। कितना का बाबू? घटा दीजिए इसको, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 - 4 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 - 2 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, हाँ यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये 22 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा हूँ, 22 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यही नुकसान आपको शो कर रहा है। तो ये 22 यूनिट का मान आपको कितना हो गया यहाँ पर? 4,620 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दीजिए इसको, 22 × 44, 2 बचेगा, 22 × 1 = 22, यानी कि 210 रुपये 1 यूनिट का मान। हमसे पूछा क्या था? इसका इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस बोले तो 36, रिजल्ट बोलेगा तो ये हो जाएगा, बस मेरी बात को। तो अगर हमसे पूछा इनिशियल प्राइस ज्ञात करो, तो इनिशियल प्राइस मस्ट बी 36, और 36 इंटू करेंगे क्या हम लोग? 210, जो भी आएगा आंसर काला है, गुना कर लेंगे सब बच्चे के, नहीं कर लेंगे। अगर हमसे पूछा गया रिजल्टेंट, तो ये हम क्या करना होगा? 14 को गुना करते हैं रिजल्टेंट। कोई समस्या? नोट कर लेंगे फटाफट सब। तो इसका इनिशियल प्राइस अगर हमसे पूछ रहा है, इनिशियल प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, इनिशियल प्राइस आपका 36 है, और 36 में गुना करो 210 से, जो भी आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, इसको अगर गुना करेंगे 36 × 21 करेंगे तो 36 × 36 और 36 × 72, तो ये 6 आ जाएगा, 3 × 5 और 7 = 7,
एक जीरो आ जाएगा, 75-60 आएगा, कैसा ही है, 75-60 रुपया दाढ़ी जोड़ा है इसका ओरिजिनल प्राइस किया रहा है। यह हो जाएगा इनिशियल प्राइस, यह होगा रिजल्टेंट प्राइस, और यह जो दिया टूटने का बात करे से दिया हमारे पास, तो 3-5 के रेशियो में टूटा है, प्राइस क्या हो जाएगा 3-5 और 1-6 के आसपास 36 हो जाएगा इसका इनिशियल प्राइस, इसको बोलिए यहाँ होना। और टूटने के बाद 3-2-1 है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 14 आएगा। जो पहले प्राइस इसके 36 यूनिट का होंगे 14, तो नुकसान हुआ हमें कितना का, 22 का मान हमारे पास इतना है, एक का मान कितना 10 होगा, कुछ हमसे इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस मस्ट बी 36 × 210, दैट इज राइट आंसर 7560, अंडरस्टैंड, वेरी गुड, अच्छे से नोट कर लेना, ये तो समझ रही हैं आप। चलिए इस क्लास में कौन कौन बच्चे हैं, एक दो बाकी बच्चे आपसे जिस क्लास करवा दे आज करवा दे, हाँ बोल दीजिए, हाँ बोल, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यह है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। देखो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, ए इज, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का विद क्रमानुपाती है, विद क्रमानुपाती, यदि ए का मान अगर हमारे पास 3 है और बी का मान अगर 2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि जब ए का मान 8/9 हो जाएगा तब बताइए कि बी का मान क्या। ऐसे प्रश्न आप एमपीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, सीएचएसएल के जब यहाँ में बैठिएगा ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। खैर तो यहाँ पर देखते हैं हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, मैंने इसको कैसे कह दिया, और यहाँ पर बी क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये होगा, कोई समस्या किसी बच्चे को, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी, मैंने इस प्रकार से मेंशन कर दिया। जब इसको अगर ये हटाएंगे प्रोपोर्शन को, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर मेरा अपने आप क्या लग जाएगा, के और बटा में बी। अब बोलेंगे सर के क्या है, तो के एक कोएफिशिएंट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, पढ़ा ना बच्चे लोग, ये अगर हटेगा आपका प्रोपोर्शन, उसके बदले में आपको कोई वैल्यू लाना पड़ रहा है कॉन्स्टेंट, जो कि आपका के आ जाए, ठीक है साथियों। अब देखो हमारे पास दिया हुआ है ए का मान कितना है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, कि बी का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, तो के का मान कितना बनेगा 24, है ना, ये मेरा आंसर नहीं हुआ, मैं आपका ये के का मान निकाल दिया, प्रोपोर्शन में निकाल दिया, राइट। अब मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जब ये चीज आप देख पा रहे होंगे कि ए हमारे पास के बाई बी के ग्रुप में आ गया, यही हमारे पास है स्ट्रक्चर। अब देखो बोल रहा है ए का मान हमारे पास 8/9 है, ए का मान 8/9 कह दिए, के का मान हमारे पास कितना है 24 है, मैंने 24 कह दिया, तब पूछा है कि बी का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, तो बी का मान निकाल लेंगे यहां से। मेरे प्यारे अग्निवीरों, कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है, नहीं हो रही है, बोलिए, तो 8 × 3=24 और बी का मान कितना आ जाएगा 9 × 3=27, मतलब यहाँ पर जो निकलेगा, हाँ बी क्यू, अच्छा बी क्यू होगा ना, बी क्यू, अच्छा यहाँ पर आपको बी में लिख देते हैं, इसको बी क्यू मानना, ये बी क्यू हो गया, तो बी क्यू का मान कितना आ गया हमारे पास 27, लेकिन हमसे पूछ रहा बी का मान क्या होगा, तो बी का मान 3 हो जाए, तो बी का मान हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बी का मान जो होगा √27, यहाँ पर हमने 3 नहीं, बस इस प्रकार से काम कर, अगर बी को पूछतेगा तो हमारा आंसर यह होता है, लेकिन अगर पूछा बी, तो बी का मान निकालने के लिए √27 कर, और समय सब ठीक ठाक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सुनना, फिर बात पूछेंगे क्या मयंक सब ठीक ठाक, 2 साल बाद भी देखेगा आपका नाम इसमें रहेगा।
एक वीडियो रिकॉर्डर मंगाया है। आप लोग क्लास में एक ऑप्शन थी लड़की, कल आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में रहना चाहिए, भाग लेना चाहिए ना, घर चले गए थे, हम ही तो घर गए थे, फिर आ गए थे, घर से आए। चलिए क्वेश्चन 27 के बाद, यहाँ पे किसी बच्चों को समझ नहीं हो, कोई तकलीफ मुझे लगता है कि आपको नहीं होना चाहिए था, और अगर फिर भी कोई समस्या हो रही है तो मैं आपके लिए हूँ, आप थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट मेंशन कर देंगे तो मैं उस चीजों को मैं दोबारा फिर से रिकॉल कर लूंगा। आइए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ 28 हमारा क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, सेम चीजें आपको रिपीट हो गया है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है क्या? ए बैग कंटेंट्स 1 रुपए। अच्छा इंग्लिश वाला अलग है, हिंदी वाला अलग है, मैं इंग्लिश वालों को बेस बनाता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा टाइपिंग भी था तो हो गया होगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं। ये हिंदी वाला मैं करवा चुका हूँ। ये देखो क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, ए बैग कंटेंट्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइंस, है ना बाबू? 29 में क्या कह रहा है? सेम चीज है। अच्छा ये तो सेम चीज है, वही सेम चीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम हो गया। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ 400 पीस दिया हुआ, कोई बात नहीं। ए बैग कंटेंट्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइंस, द रेशियो ऑफ कॉइंस इज 5, 7 और 9। So the ratio of number of coins 579. The value of all coins is 430. Find the number of 50 paise coins. 50 paise coins आपको find करना है। मतलब देखो एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिए गए हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह कहा गया है कि देखो इनका जो रेशियो है ना, उनका जो रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स वो आपको 5, 7 और 9 दिया गया है। हम तो पूछा कि इनका वैल्यू अगर बात करते हैं, इनका जो कॉस्टिंग वैल्यू निकल कर आता है वो है कितना, 430 रुपीस में दिया हुआ है साथियों। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, मतलब 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी है ये आपको बताना। ओके आइए ध्यान से देखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, बस थोड़ा सा प्रयास करना कि जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। देखो एक बैग है बाबू, और एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के आपको ऑलरेडी दिए हैं। तो शेखर हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये रुपीस में अगर आपको दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ 1 रुपया 50 पैसे को मैं 1/2 रुपीज कर सकता हूँ क्या, 25 पैसे को 1/4 रुपीज मैं कर सकता हूँ, सब रुपये में कन्वर्ट कर दू, जितना पैसा था ना बाबू आपको, 100 पैसा मतलब 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया ऑलरेडी रुपया में है, लेकिन 50 पैसे मतलब 8 आना बोले तो 1/2 रुपया 1/2 कर दिए, 25 पैसे मतलब 25/100 मतलब 1/4, ये सबके सब क्या में आ गया रुपीज में। और अगर इसको रेशियो हटाना होगा मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन को हटाने के लिए, इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना होगा, वेरी गुड, 2-4 कैल्शियम निकाल दो आप, बच्चे तो समझदार हो चुके हैं, और इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा रहें, यह 4 हो जाएगा और यह 4 होगा, मतलब यह 4 हो जाएगा, यह कट कितना आ जाएगा 2 और यह कट के 1। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं? अब हमारे पास इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, 5, 7 और 9 ये 5, 7 9, तो आप क्या कर दो इनको गुणा कर दो, 5, 7 और 9 5 चौके 20, 7 दूनी के 14, 9 एका 9। किसी को समस्या तक लिख, 5 चौके 20, 2 14 और 1 9, 9 यह हो गया। अब यही हो गया आपका वैल्यू, ये नंबर्स हो गया और ये आपका वैल्यू हो, कितना वैल्यू निकल कर आता है। तो 20, 10, 30, 4, 34 और 9 कितना आ जाएगा, हाँ जी 43। 43 यूनिट का मान आपके सामने क्या दिया हुआ है, 400 पीस, ये नहीं कहा बाबू, 43 यूनिट का मान 400 पीस दिखाई दे रहा है, ये रुपया में, तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा छोटो, 10 आ जाएगा, एक यूनिट का मान 10 रुपया आ जाएगा, प्रेम से बोल दो। अब अगर सभी के बारे में अलग अलग पूछ रहा है तो देखिए राहुल यहाँ पर एक का मान अगर 10 है बाबू तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 200, ये रुपया हो जाएगा,
ये कितना हो जाए 140 रुपया हो जाए और ये 90 रुपया, ठीक है छोड़ू ये ना जी। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 430 दिखना चाहिए था, जोड़ के देखिए 430 आपको दिखेगा ही। तो आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हो कि हमने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। उसके लिए पहले आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हो 430 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आएगा। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर हम इसको देखें तो ये किससे बना है, एक रुपया से बना। ये हमारा रुपया एक रुपया था या 50 पैसे था या 25 पैसे, यही नहीं था बाबू, ये सब पैसे थे। तो एक रुपया वाला कितना सिक्का दे आपको हम, 200 रुपया हो गया 200 देंगे सिक्का, ये तो सिंपल है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ विकास कुमार कि 50 पैसे का मैं कितना आपको सिक्का दूं कि 140 हो जाए, 50 पैसे का मैं कितना, 50 पैसे मतलब एक बड़ा 2 रुपया होता है, तो 50 पैसे का मैं कितना आपको सिक्का दूं कि यह आपको 140 हो जाएगा, यो जोर से 280। ओके ओके वेरी गुड। आप फिर बताइए कि 25 पैसे का मैं कितना सिक्का दूं कि 90 रुपया हो जाएगा, 25 पैसे का सिक्का मैं कितना दूं आपको कि 90 रुपया हो जाएगा, कितना जी? ऑब्वियसली पेन लगाने को जरूरत नहीं आपको, आपको ये पता होना चाहिए कि 4 चवन्नी मिलकर 1 रुपया होता है, मतलब 1 रुपया बनाने के लिए 4 चवन्नी आपको देंगे, तो 90 रुपये बनाने के लिए 4 से गुना करो ना यार, 360 चवन्नी आपको देना पड़ेगा। चवन्नी समझ रहे ना, चवन्नी का यूज किया है कि नहीं कभी आप लोग, 25 पैसा वाला नहीं कर पाए, क्या बात करते, चॉकलेट मिलते तो 25 पैसा होना, 5 पैसा 10 पैसा तो चलो बात नहीं यूज किया होगा आप लोग, 5 पैसा 10 पैसा 15-20 पैसा यूज किया है आप लोग, ये सब नहीं चला होगा, 5 पैसा 10 पैसा है ना, 25 पैसा भी बंद हो गया, 50 पैसे चलने का, 50 भी बंद हो गया ना, 98 भी चल बंद हो गया, आप सीधे 1 रुपया, 1 भी बंद हो गया सीधे 5 रुपया आ जाएगा आप ना। तो देखो यहाँ पर 4 चवन्नी मिलेगा अगर आपको तब आपको 90 रुपया होगा, सॉरी 4 चवन्नी मिलेगा 1 रुपया होगा, लेकिन उसी 4 से अगर मैं यहाँ पर गुना करता हूँ, अभी भी इस प्रकार के प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन रहे कि कितना चवन्नी होगा है ना, तो आप क्या करो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि देखो जी कुछ नहीं करना है, मान लो कि 1 चवन्नी है आपके पास, 1 चवन्नी चवन्नी को रुपया बनाने के लिए मैं कैसे गुना करता, डिवाइड करता 1/4 से, तो 1/4 यहाँ लिख दो और यह है कितना आपका 90, 90 × 4 कितना 360 है। अब ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उतना समझदार बच्चा मुझे लगता है वो आप लोग ऑलरेडी पहले से, तो 1 रुपया में 4 चवन्नी, 90 रुपया में 90 × 4 कर देंगे, तो 90 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर 360 जो निकलेगा वह 25 पैसे पॉइंट निकलेगा, यह जो निकलेगा पॉइंट ऑफ 25 पैसे निकलेगा। अगर हम बात करते हैं यह वाला तो देखो 1 रुपये में 2 अठानी, 140 में कितना अठानी 280, तो यहाँ पर हमें 2 से गुना कर देंगे ये आ जाएगा कितना आपका 280 पॉइंट्स, ये क्या निकलेगा 280 पॉइंट्स निकलेगा, किसका 50 पैसे, 280 पॉइंट्स जो निकलेगा वो 50 पैसे का निकलेगा। तो यहाँ तक किसी को समझना है मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं है, क्लियर है बच्चे को? चलिए इसके बाद एक और प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, हमारा प्रश्न यह दिख रहा होगा आपको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपीज 3 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, वैल्यू आपको दे रखा है, उसमें आपको जो वैल्यू नहीं दिया था उसमें क्या नंबर्स दिए हुए, यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 30, 11 and 7, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आर, पॉइंट्स का संख्या आपको यहाँ पर दिया है, पहले क्या दिया हुआ था रुपीज में दिया हुआ था, 430 रुपीज था वो आपका, और यहाँ पर कभी कभी आपको संख्या दिया रहा, तो मेरे प्यारे साथियों पॉइंट द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंट्स आपको निकालनी जो है वो 50 पैसे क्वाइंट आपको निकालना। ओके तो आइए हम क्या सिखाते हैं आपको, क्या जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर एक चीज गौर करना जो मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाया हूँ इसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये हमारा रेशियो था क्वाइंट्स का, मैंने 100 रुपया में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है
उसके बाद हमें नंबर्स दिए हुए थे क्वाइंस का, सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से पहले, ये नंबर्स दिए हुए थे क्वाइन का, तो मैंने इन्हें गुना करके यह लाया था, कुछ तो बोलिए हाँ होना, गुना करके लाया था, दो पच्चे सर चार पच्चे बीस, दो सौ चौदह, एक नौ नौ, यह लाया था। लेकिन बाय द वे हमारे पास यह नहीं दिया हुआ है, नंबर्स नहीं दिया, वैल्यू दे रखा है, मुझे यह निकालना है, कैसे मैं निकालूंगा, डिवाइड करते, यानी कि दो में मैं क्या से गुना करें कि बीस हो जाएगा, मतलब चार में क्या से गुना करें, इसका मतलब यह कि चार से बीस को डिवाइड कर दो, चार से बीस को डिवाइड कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, जो इसका वैल्यू रहता है उस नंबर जो पॉइंट उसे डिवाइड कर दो आप, तो चौदह से चौदह को डिवाइड कर सात, दो से कितना आ जाएगा सात, क्या हो गया, क्या हो गया, जस्ट ए सेकेंड रुक जाइएगा, चलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कौन सा वो इसमें नहीं है, कहां विकास ये वाला है, कल तो विशाल सर पड़ा घबरा के बाद दिए थे नहीं शेयर तटकार के पूरा एकदम, कल जो आप लोग इतना समझाया कुछ दिमाग में आया, मोटिवेशन कुछ नहीं है ना, इतना मैंने समझाया, इतना देर तक मैंने कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, तो कोई तैयारी वाई थोड़े होता क्लास में घुसो छाट करो बोलने, तो मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ समझा दो, और आपने मुझे लगता है समझा भी होगा, ये तो हम लोग देख चुके थे, ये देखा था, ये था बाबू हम लोग का, अच्छा ये था, देखो मैं ये समझा रहा था आपको कि देखो अगर वैल्यू दे रखा है और सिक्कों का जो संख्या दिया है निकालना मेरे को, तो उसके पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मान लीजिए एक थैले में एक रुपया पचास पैसे पच्चीस का सिक्के है, मतलब एक रुपया पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्के हैं, राइट, इसको रुपये में कन्वर्ट कर दें तो चार यह हो जाएगा, यह दो होगा और यह एक होगा, अभी मैंने डिवाइड किया था, और अगर आपको नहीं पता चलता हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो, एक बटा में चार, सॉरी यह हो जाएगा पचास बटे में सौ, और यह हो जाएगा कितना आपका पच्चीस बटे में सौ, तो कट के एक बटा दो एक बटा चार ही आएगा, तो मैं यहां से एक बटा दो और एक बटा चार लिख देता हूँ, एक बटा दो और एक बटा चार लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा हटाने के लिए चार, यहाँ पर चार और यहाँ पर चार, तो यह चार बनेगा, तो यह दो बनेगा और एक बनेगा, यह आपका कितना आ जाएगा रुपीज में आ जाएगा, क्लियर है, अब हमें संख्या नहीं दिया हुआ, संख्या नहीं दिया हुआ छोड़ दीजिए, संख्या नहीं दिया हुआ आपको वैल्यू दे रखा है, मतलब गुना करने के बाद आपको दिया हुआ वैल्यू के रसोई दिखाई दे रहा आपको 30, 11 और 7 दिखाई दे रहा है, तो देखिए बाबू यहाँ पर 30, 11 और यह दिखाई दे रहा है 7, समझ रहे सुहानी, देखो जो वैल्यू दे रखा है वो गुना करने के बाद दिया होगा, पॉइंट्स का मैंने रेशियो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल दिया, तो मुझे संख्या निकालना होगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने जस्ट बताया डिवाइड करना होगा, तो 30/4 यहाँ पर जो होगा हमारा क्या होगा 30/4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/1 हो जाएगा, ये ना होगा जी हमारे पास, यह जो निकलेगा वही हमारा संख्या निकलेगा, संख्या निकलेगा, मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कभी बाय द वे अगर समझ में आकर आ जाता है तो आप इसके ऊपर शिफ्ट कर दो और इसको नीचे, तो भी आपको कोई समस्या नहीं हो, तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या रुपीज
नीचे आ गया हमारा वैल्यू और ये हमारा आ गया 35/11/2 और यस मुझे एक रेशियो चाहिए होगा, क्या करना होगा इसको, चार दो कैंसिल निकाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा चार, यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका चार और यहाँ पर आ जाएगा चार, रेशियो क्या बनेगा साथियों हमारा कट जाएगा, दो दूनी के चार मतलब 11 दूनी के 22 और 7 चौक 28 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो नंबर का रेशियो बना, नंबर का रेशियो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 30 11 दूनी के 22 और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ क्या निकला हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स निकला। अब नंबर लिखा हुआ ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ पर जगह कम से मैंने आपको इधर शिफ्ट कर दिया। अब एक ध्यान से देखना बच्चे लोग यहाँ पर कि इन तीनों का सम आपको दिखाई दे रहा होगा कितना आपका 480 दिखाई दे रहा है, देखो लिखा हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विल बी 480। सब कुछ इसको ऐड कर दीजिए आप तो 30, 22, 28 जोड़िए तो सब कितना आता है 30, 22, 28 30 और कितना आएगा 48 आएगा, 30 और 22 से खाली 55 हो जाएगा यार 80 आएगा ना भुंडुल है सब। अब बोलता भुंडुल मतलब क्या है, कोई बच्चा पूछ भी रहा था भुंडुल मतलब क्या होता है सर, यही होता है जो आपको देखो ये हो गया पूरा का पूरा कितना हो गया 80 तो 80 का मान 48 480 एक का मान कितना 60 को बोलता है तो बच्चा 60 बोलता है भंडुल है, अरे इसका मान 80 हो गया 48 सौ थोड़ा है जी 480 है 80 को 6 करेंगे तब ना आपको 480 आएगा, मतलब एक का मान 6 निकल गया, लिखना पड़ेगा इसको समझ गए एक का मान 6 हो जाए। देखो इसको अगर आप ऐड करते हो तो 80 आएगा और 80 का मान आपके पास दिया हुआ 480 तो एक का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये नहीं कह रहा एक का मान 6 हो जाएगा, हमसे पूछ रहा किसका तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या, 50 पैसे का अभी चोला है ना हमारा ये 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे वाला सिक्का तो ये 22 में गुना कर दो कितना से 6 से तो 22 गुने 6 कितना 132 पॉइंट। अब इसको डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है चूंकि ऑलरेडी संख्या में है आपका, ये संख्या ना आपका है ये ऑलरेडी संख्या में है, इसका मतलब यह हुआ यह 132 पॉइंट होगा किसका 50 पैसे। अगर पूछता आपसे क्या कि 25 पैसे किसी को संख्या ज्ञात करें तो 28 में क्या करते हैं हम लोग 6 करते, समझ रहे हैं मेरी बात, नोट कर लो फटाफट। ये आपका रुपीज में नहीं है ये नंबर्स में है और नंबर्स में सिंपली आपको संख्या दिया हुआ है तो 80 का मान अगर 480 तो एक का मान 6 हो जाएगा, सीधे आपको 6 से गुना कर दीजिए वो पॉइंट्स निकल जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज सिखा दिया रुपया और पॉइंट्स दोनों ही चीज। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न इस प्रकार से विजिबल होगा। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया सब बच्चों का, एक बार समझने के बाद आप दोबारा भी अपने से बना सकते हैं, अगर समझ जाते हैं सब कॉन्सेप्ट तो दोबारा भी अपने आप ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, क्या बोलते हैं। लेकिन बच्चा जब तक नोट नहीं करता है ना तो लगता ही नहीं इसको कि हम आज पढ़े हैं, उसको नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं कि हम आज पढ़ाई की है ना। मान लो खूब बच्चे से पढ़ा दिया आके बोल के पूरा चल गए मैथ्स, बच्चा को पार हो गया पर तो बोलेगा मतलब क्या पढ़ा समझे में नहीं, अपने पढ़ते अपने समझते हैं है ना, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को समझने में कोई तकलीफ हुई तो प्लीज बिलेनर को फिर से बताना, अगर किसी को समझने में कोई तकलीफ यहाँ पर किन्हीं बच्चों को नहीं ना बाबू, चलिए बहुत अच्छा। यह है देखो तीसरा अनुपात निकालना, तृतीय अनुपात, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जिक्र कर लेता हूँ, ध्यान से देखना मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लेना सब बच्चों के लिए काम आएगा। देखो मान लो यहाँ पर फोर्थ समानुपात निकालना होगा, फोर्थ समानुपात इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात। यह होता यह क्या होता है समझिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास ए है बी है सी है और ये नहीं मालूम है, मान लीजिए यहां पर एक्स है
इसको चतुर्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करना होता है, समान यह हो गया, यह हो गया हमारा, और यह और यह और यह चतुर्थ समान पात चौथा। तो हमें क्या करना होगा, मान लीजिए ए बाई बी, इसका मतलब जो है यह आपको बराबर होता है और यह होता है हमारा सी बाई एक्स, ठीक है बाबू लोग। तो अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ए इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर बी इंटू सी हो जाएगा। तो एक्स का जो मान होगा बी इंटू सी बटे में ए, इसका मतलब यह हुआ, नोट करके लिखना, चतुर्थ समानुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म दोनों को गुना करेंगे, दूसरा पद और तीसरा पद को गुना कीजिए और पहले पद से क्या करना है डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये आप नोट करना है। चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म, ये आप करेंगे तो आपको निकल जाएगा चतुर्थ समानुपात, मतलब चौथा समानुपात आपको निकालना होगा। तो ये रूल अपनाना, मैं रूल यहाँ पर समझा चुका हूँ कैसे ये रूल बनता है। तो ये याद रखना कि ए इज टू बी और यह प्रोपोर्शनल टू सी इज टू एक्स अगर रहेगा, मैं इसका काम करता हूँ दोस्तों, तो यह काम करने के बाद हमारा यह इस प्रकार से आएगा बी इंटू सी बटे में ए। तो मैं कह सकता हूँ कि आप ये हमारे पास दोस्तों सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा निकल जाएगा चतुर्थ समानुपात। एक और होता है यहाँ पर हम लोग को जानना चाहिए तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल, उसे भी जान लीजिए तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात अगर बात करते हम लोग, तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ये निकालना, ये कैसे मैं निकालूंगा, देखो इसमें आपको ध्यान रखना होगा ए बी और सी, ए बी और सी तृतीय समानुपात अगर निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो तृतीय समानुपात की जगह पर मैं यहाँ पर x मान देता हूँ, ये नहीं मान, मैं इसे ऐसे लिखूंगा अरेंज करके कि a is to b और b is to x, जो इनका रेशियो होगा वही इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है बाबू लोग। तो a और b यहाँ मैंने कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा b by x, तो a into x is equal to क्या हो जाएगा b square, मतलब x का मान क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए। अर्थात आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालोगे आप, कैसे थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे आप लोग, याद रखना कि सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, सेकंड टर्म जो भी रहेगा बाबू उसको स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, बस इसे याद रखना कि सेकेंड टर्म को स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट टर्म से हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम वह जो निकलेगा हमारा तृतीय समानुपात के रूप में आता है वैल्यू। मैं आपको बताऊंगा इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, डोंट वरी, बोले है ना। ये क्वेश्चन करो, देखो चौथा समानुपात आ, एक चीज और बताना है, देखो मध्य समानुपात यह हो गया तृतीय समानुपात, चतुर्थ हमने देखा, तृतीय समानुपात देखा, एक देखा हमने देखने जा रहे हैं मध्य समानुपात, मध्य मतलब मिड प्रोपोर्शन, इसको नोट कर लेंगे मिड प्रोपोर्शन, मिड या मीन इसी को बोलते हैं मीन, मीन प्रोपोर्शन, या मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ये कैसे निकालते हम लोग, तो याद रखना ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसके बीच का टर्म मान लो कोई नहीं एक्स, ये आपका मीन टर्म हो गया, मीन टर्म, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं ए इज टू एक्स और एक्स इज टू बी, ऐसे करेंगे, देखो ए बाई एक्स हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर एक्स बाई में बी, ठीक है बाबू लोग। तो यह जो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बनेगा ए बी, तो एक्स का मान हम कह सकते हैं क्या अंडर रूट, ये सब याद रखना एग्जाम में बहुत बार आपको रिपीट करता है और आप नहीं याद रहेगा फिर आपको इन बताने वाला एग्जाम, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मुकुल, ए मुकुल, मुकुल बड़ा हो, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म
फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, ये टर्म फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म करके आपको अंडरूट कर देना। कोई समस्या? जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि 9 और 16 का मिन टर्म निकालो, कैसे निकालेंगे? 5 बोलती है, 9 और 16 का मिन टर्म निकालो 12, 9 इंटू 16 करो 144 आ जाएगा, 144 आएगा ना बाबू। ऐसे भी देखो, ये लिखेंगे 9 का वर्गमूल 3 आएगा और 16 का 4 आएगा, 3 का 12। कई बार यहां ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो घबराना मत, ये इस प्रकार से आप काम करेंगे आंसर आपका। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो 12-16-18 के चौथा अनुपात निकालना है, चौथा अनुपात निकालना है, कैसे निकालेंगे? 12-16-18 दिया, मैंने क्या बताया था 33 अनुपात निकालने के लिए, सेकेंड इंटू थर्ड टर्म बाय में फर्स्ट टर्म, यही लिखवाया था जी आपको। तो फोर्थ निकालने के लिए मैंने आपको यह समझाया था कि थर्ड इंटू सेकेंड 16-18 कर देंगे और बटा में फर्स्ट कर देंगे, सेकेंड इंटू थर्ड बाई फर्स्ट, यहाँ छोटा हो जाएगा 4 दिया 12 और 6 दिया 18 हो जाएगा, 2 दुनिक 4 चौके 16, 6 चौके 24, आंसर ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकलेगा, चौथा समान पाप, मतलब सेकेंड इंटू थर्ड बाई में फर्स्ट, ये हमारा रूल था। चौथा समान पाप बाबू, चौथा में क्या सिखाया था हम लोग, सेकेंड इंटू थर्ड बाई में फर्स्ट, ये लिखवाया था आपको। एक सेकंड मैं यहां देखता हूं, देखो यहां पर आपको जो मैंने आपको बताया था अनुपात में ध्यान दिखेगा कहां था, चौथा ये था हमारा ना, देखो सेकंड इंड थर्ड बाई, देखो कट कुट करना अलग बात है, इसको रूल हमारे याद रखिएगा, सेकंड इंड थर्ड बाई में फर्स्ट, ये था हमारा, सेकेंड को थर्ड से गुना करो और फर्स्ट से डिवाइड करो, ये रूल था। गुना भाग करना आपको उसको देखना, हो सकता इधर उधर हुआ हो कोई बात, मैं देख लेता हूँ, ये हमारा था, ये था ना हमारा। अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ सपोज यहाँ पर, देखो मैंने आपको बताया कि 12 इंटू सॉरी यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि 16 इंटू 18 बटे में 12, यही नहीं करेंगे हम लोग, ये फोर्थ निकालना था। चलो मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ 3 से, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 से मैंने कट कर दिया और 4 चौके 16, 4 छक 24 ना आया थी, उसमें तो 24 ही आया था, नहीं हम काटते थोड़ा उल्टा है, जो पढ़ते हैं उसको हाइड कर देते, जैसे हम बोलते हैं ना 6 3 18, यहाँ लिखेंगे 3, 6 से हटा देंगे, तो मेरे क्या भाई आपको देखो वही चीज होता है आपका, है ना, तो घबराना मत, जो हम काटते हैं उससे हम हिडन रखते हैं, आपके अनुसार इच्छा अनुसार 3 चौके 12, 3 छक 18 मैंने कर दिया, 4 से कट कर 4 चौके 16 मैंने 4 ले दिया, 4 छक 24 आ गया, नहीं ये आ जाएगा। और इसके बाद एक मध्य समानुपात अगर आपको बताइए, मध्य समानुपात समझा दिए, मध्य समझा दिए, तृतीय भी समझ लिए, तृतीय क्या होता है समझ लीजिए, तृतीय समानुपात में क्या देखा था हमने, सेकंड टर्म का स्क्वायर बाय में फर्स्ट में हमारा, सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड बाय में फर्स्ट टर्म, कोई समस्या? तो मान लीजिए हमारा सपोज यहाँ पर कोई भी संख्या मैं लेता हूँ 12 और 20 ले लिया, 12 और 20 ले लिया, तो क्या करेंगे 20 का स्क्वायर और बटे 12 कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना 400, और ये आ जाएगा 4 दिया 12, ये 100 बटे 3, 100 बटे 3 जो निकला क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात निकलेगा। ये सभी आपको याद रखने वाला चीज है कि सेकंड बाय में फर्स्ट, सेकंड टर्म के स्क्वायर पर बाय फर्स्ट करेंगे वो आपको निकाल देगा तृतीय समानुपात। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोलो हाँ ना, बहुत अच्छा। चलो ये देखो, चलो ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर चुके आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर देखिएगा। 5 वर्ष पहले राम और श्याम के आयु का अनुपात 2:3 था, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होगा, उनकी आयु का योग वर्तमान युग कितनी, यह क्वेश्चन कह रहा है आपका आयु पर है। देखो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु 3:4 था, तो देखो यहां पर कर दो राम और यहां पर कर दो श्याम,
टू एस टू थ्री मतलब टू यहाँ पर कर दे और थ्री यहाँ पर कर दिए, हाँ या ना, कर दिया मैंने। ये कब की बात है, 5 वर्ष पहले की बात, 5 साल पहले, पहले की बात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। एकदम से क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये कह दूं, आपको मान लीजिए सपोज ये आयु 2x और इसका 3x, मैं कह सकता हूं क्या, राम के लिए मैंने यहां पर ऐसे कह दिया, श्याम के लिए मैंने यह कह दिया, राम हमारा 2x है और श्याम हमारा 3x, 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पहले आप 20 साल के थे, अभी कितने साल को जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, 5 साल बाद कितने साल को जाएंगे, 30 साल को हो जाएंगे, मतलब 5 साल पहले और 5 साल बाद गैप कितना को हो जाएगा, 10 साल का। उसी प्रकार से 5 साल पहले, 5 साल पहले और 5 साल बाद गैप कितना को हो जाएगा, 10 साल का। तो 10 मैंने इसमें भी ऐड कर दिया और 10 हमने इसमें भी ऐड कर दिया, तो वर्तमान का निकल जाएगा, कुछ तो बोले हाँ होना। एक तरीका यह है कि अगर मैं इसको गुना करता हूँ, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा 4 × 8x या 3×9x हो जाएगा या, और 10×30 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 4×8x और ये आ जाएगा 4×10 40, हाँ या ना, 9 में गया 8 कितना बचेगा, x 40 में गया 30 कितना बचेगा, 10, मतलब x समान 10 आ गया। हमसे किसका पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा, तो एक समान अगर 10 आ गया है तो मैं यह कह सकता हूँ कि 10 महीने की 20 रहा होगा और 10×30 रहा होगा, है ना, कब की बात है यार, 5 साल पहले, तो अभी कितना का हो जाएगा, वर्तमान मतलब अभी 5 साल पहले अगर हमारा आयु 20 होगा अभी कितना का होगा, 25 का, और यह कितना का हो जाएगा, तो 25 जोड़ दीजिए, वर्तमान आयु योग निकल जाएगा। ये नहीं कहा जी आपसे, तो वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है आपसे, वर्तमान आयु का परसेंटेज, तो अगर राम को पूछेगा तो 20×5 = 25 हो जाएगा, और अगर श्याम को पूछेगा 30×5 = 35 हो जाएगा, तो 35×5 = 40 और 20×60 हो जाएगा, इनका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, कुछ तो बोलो हाँ होना, वेरी गुड। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यह था हमारा एक छोटा सेगमेंट जो कि मैंने इसी को समझाया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कम से कम समय में आपको समझाऊंगा। यह तो मैंने आपको बताया एक फ्रैक्शन मेथड से एक्स वाई मानकर, विदाउट एक्स वाई माने इस क्वेश्चन को आप चाहते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे और आंसर मैट्रिक लगाऊं, तो इसके लिए अगला वीडियो मैं इसी से स्टार्ट करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 33 से। ये मैंने पूरा बताया, डिस्क्रिप्टिव मेथड इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, लेकिन इसके एग्जाम में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जाम में शॉर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।